चलिए हम आपको तस्वीर दिखाने लेकर चल रहे हैं दशहरा के पावन पर्व पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महापौर के साथ। वहां पर संजय मात्रे, उनके साथ कमिश्नर इमरान वली जो कि उप महापौर हैं, विलास पाटिल, सभी ने मिलकर पहले एपीजे अब्दुल कलाम का पूजन किया। उसके बाद में फायर की दो गाड़ियों का ओपनिंग भी किया गया। फायर विकेट की अगर बात करें तो भिवंडी शहर के फायर विकेट की हालात सबसे ज़्यादा नाजुक थी। इनके गाड़ियों का कुछ पता नहीं था, जो गाड़ी रहती भी थी वो भी बीमार रहती थी। ऐसी हालात में महापौर ने यह जो कार्य किया है सचमुच में सराहनीय कार्य रहा है। खास करके जो भी साधन सामग्री चाहिए फायर विकेट को वो अब भी उपलब्ध नहीं है पूर्ण रूप से। फिर भी जबकि भिवंडी ऐसा शहर है, यह आग का पॉइंट है, यहाँ पर आग लगने की घटना आए दिन सामने आती रहती है। ऐसे में हमारे दमकल विभाग को एकदम से उनको हर सुविधा मुहैया कराना यह हमारा और आपका कर्तव्य है। ऐसे में महानगर पालिका ने उन्हें दो गाड़ियां जो आप देख सकते हैं, जिसका ओपनिंग की गई, जिसका उद्घाटन किया गया और अब यह रनिंग पोजीशन में है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे तस्वीर दिखाने के लिए, खास एपीजे अब्दुल कलाम उड़ान पुल के बोर्ड का उद्घाटन किया गया। जिस वक्त यह सब कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे थे उस वक्त वहाँ पर महापौर प्रतिभा पाटिल, साथ ही उप महापौर इमरान वली मोहम्मद, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संजय मात्रे के अलावा वहाँ पर काफ़ी विलास पाटिल जो कि नगर सेवक हैं, इनके अलावा भी भारी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित थे और सब ने उनके ऐसे कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि जिस तरीके से भिवंडी शहर में अब काम हो रहा है सचमुच में काबिले तारीफ। लेकर चलते हैं हम आपको महापौर ने हमारे टीम के साथ क्या बातचीत। आगे ना वाजी